सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर डाले गए वोटों के 100% सत्यापन की मांग करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वीवीपैट पर्ची के मिलान से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर करेंगे। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को करना होगा। गड़बड़ी अगर साबित होती है तो पैसा वापस मिल जाएगा। साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुझाव देते हुए चुनाव आयोग से भविष्य में वीवीपीएटी पर्ची में बार कोड पर विचार करने को कहा है। इसके अलावा बेंच ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी नहीं सुनी। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोटों का वीवीपीएटी के साथ सत्यापन करने संबंधी अनुरोध वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस दौरान बेंच ने चुनाव आयोग की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, हम गलत साबित नहीं होना चाहते बल्कि अपने निष्कर्षों को लेकर पूरी तरह से आश्वासित होना चाहते, इस कारण हमने स्पष्टीकरण मांगने का सोचा। दरअसल वीवीपीएटी एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है। इसके जरिए वोटर यह जान सकते हैं कि उनको वोट उसी व्यक्ति को गया है या नहीं जिन्हें उन्होंने वोट डाला था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।